पटना यूनिवर्सिटी में अब स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 25 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि पहले 4 जून तक ऑनलाइन की अंतिम तिथि थी और प्रवेश एग्जाम की तिथि 18 जून निर्धारित थी। अब नियमित कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट 9 जुलाई को, व्यवसायिक कोर्स और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट 12 जुलाई को आयोजित होगा। ये निर्णय पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया। इस बैठक में प्रतिकुल कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार, कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार और स्नातक नामांकन नोडल ऑफिसर बीएन कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद भी थे। आपको बता दें कि इस बार स्नातक सत्र 2022-23 में 4796 सीट पर नामांकन होगा, जहां 515 सीटें बढ़ा दी गई। बता दें कि बीए, बीएससी और बीकॉम के सामान्य पाठ्यक्रमों को मिलाकर पीयू के विभिन्न कॉलेजों में कुल 3256 सीटें पिछले साल तय थी। बाद में शिक्षा विभाग ने 515 सीटों की बढ़ोतरी की है। इसमें पटना कॉलेज के सामान्य पाठ्यक्रमों की 600 सीटों को बढ़ाकर 780 सीट कर दिया गया है। वहीं पटना साइंस कॉलेज की 600 सीटों को बढ़ाकर 660 कर दिया गया है। इसके अलावा पटना वुमेन्स कॉलेज में 260 और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में 15 सीटें बढ़ाई गई थी। वहीं बीए, बीएससी और बीकॉम में अब तक 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके अलावा स्नातक स्तरीय वोकेशनल कोर्स के लिए 4,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। पटना विश्वविद्यालय में आवेदन करने वाले छात्रों की रफ्तार पिछले साल की तुलना में कम है। हालांकि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक रेगुलर और वोकेशनल कोर्स को मिलाकर 5,500 सीटें हैं। इसमें साइंस की पढ़ाई के लिए साइंस कॉलेज छात्रों की पहली पसंद होती है, वहीं इसके बाद ही दूसरे कॉलेजों का रुख छात्र करते हैं। इसी तरह से बीकॉम की पढ़ाई के लिए वाणिज्य महाविद्यालय सबसे बेहतर माना जाता है। आर्ट्स की पढ़ाई के लिए पटना कॉलेज का क्रेज घटा है, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज का क्रेज बढ़ा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।